प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज। मानखुर्द महाराष्ट्र नगर नंबर 3 इंदिरा नगर में आस्ताना ख्वाजा गरीब नवाज पर महफिल समा मुनक्किद किया गया। बताया जाता है कि 20 से 25 साल से यहां पर इस तरह का प्रोग्राम महफिल समा किया जाता है और भारी तादाद में लोग यहां पर फैज पाने के लिए आते हैं। यही नहीं, चेंबूर में स्थित घास वाले बाबा के मजार पर रहने वाले सूफी जमाल बाबा भी 20 से 25 साल से यहां पर आने जाने का और महफिल में लुत्फ उठाने का काम करते हैं और यहां पर जो भी मुरीदीन इनके साथ में आते हैं सभी बजाय गरीब नवाज आस्ताने से फैज पाते हैं। वहीं महफिल समा को खूबसूरत बनाने वाले कव्वाल अनवर चिश्ती और आसिक चिश्ती ने बताया, आस्ताना ख्वाजा गरीब नवाज पर हम 4 साल से आते हैं और सूफी जमाल बाबा का हम पर कर्मो इनायत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यहाँ पर 22 सालों से आना जाना मेरा हेनूज बाबा बेचारे यहाँ से छड़ी लेकर अजमेर तक पैदल जाते थे। बेचारे बहुत बहुत अच्छे बुजुर्ग थे, समझ नहीं सका कोई। आशिक गरीब नवाज था बेचारा, और एक दिन ऐसा हुआ कि गरीब नवाज में उनका पर्दा हुआ। उनसे मेरा वादा था गरीब नवाज में कि बाबा हमारे बच्चे लोग को, हमारा आस्ताना ये बच्चे लोग गवाह हैं, तभी छोड़ना इनका हाथ दिया है। मैं जब से बराबर यहाँ पे गरीब नवाज की महफिल में आता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है यहाँ के लोगों का जो इतने लोग जिसने गरीब नवाज करते, अल्लाह पाक उनको और इससे बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेने की इनकी माँ की दुआओं के सदके में तुफेल में तरक्की अता फरमाए मौला, इनके घरों में खुशियाँ अता फरमाए गरीब नवाज। ये तो बहुत मुबारक रात है सरकार गरीब नवाज की, ये खुश नसीब है जो हम उनके नाम के साए में बैठे हैं, ये करम है। अल्लाह ताला तुम्हें भी तौफीक दे कि आप भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं। अल्लाह ताला तुम्हें भी रात दुगनी रात चौगनी आपकी माँ की दुआओं के सदके तुफेल में आपको उन्नति करें। मेरे मौला तरक्की अता फरमाए हबीब के सदके में, गरीब नवाज के सदके तुफेल में, पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी का आज यहाँ लोग जश्न मना रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से यहाँ के हमारे आमदार से वाले साहब से भी गुजारिश करूँगा, किबी के माध्यम खासदार साहब हैं यहाँ के, कि जरा हिनूस बाबा से जो जो वादा करे थे वो चीज़ों को यहाँ पर अगर वो कायम दायम कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। आज यहाँ लोग आते भी नहीं, वो लोग झाँकते भी नहीं हैं, बेचारे अकेले ये लोग काम करते हैं, तो आपके ज़रिए जरा से वाले साहब की भी यहाँ पर ध्यान पुलो करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तरक्की हुआ। ये 10-12 सालों के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी तरक्की हुई। ये गरीब नवाज का करम है, कहते हैं ना किसी फकीर का कदम आता है तो जगह नूर बरसती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग भी खुश नसीब हैं कि आस्ताने पे आए जाएं। एक फ़कीर था, सच्चा फ़कीर, जो ये झंडा लाया था, शायद किसी को मालूम है किसी को नहीं मालूम है, वो सरकार गरीब नवाज के यहाँ से लेकर पैदल जाता था दिल्ली, दिल्ली से जो सफ़र करके 13 दिन का सफ़र करके अजमेर शरीफ रवाना करते थे वो वाकुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह से। तो मुझे खुशी था, इसे फ़कीर पर नाज था, तो आज इनकी दावत जाती है या नहीं जाए मेरा दिल हमेशा लगा रहता है, मैं यहाँ दोबारा आते रहता हूँ। आप भी दुआ फरमाएं कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं जश्न में आते रहूँ, और ये खुशियाँ ये रात सबको मुबारक हो। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि अल्लाह उसे ही इज्जत नवाजता है जो उसकी राह में फना होता है। की वो नहीं समझ पाते, इल्म का तो होना बहुत ज़रूरी है, जब तक कलमे की हकीकत नहीं मिलेगी अपने सांस से। अल्लाह पाक भी फरमाए आप कुरान मजीद में कि मैं तुम्हारे जिक्र साहब, अगर तुम्हारा सांस भी एक मेरे जिक्र हिसाब के खाली गया तो हराम मौत होगी। तो हमारी कितनी सांस जाया जाती है। कामिल मुर्शिद फ़कीर वही जो कल्ब को रोशन करे, कल्ब को रोशनी लेना बहुत ज़रूरी है। एक जिस तरह अपने घर में एक पंखे की हवा ले रहे हैं, एक एसी का हवा ले रहे, हवा नहीं मिलती है तो इस रूह के लिए क्या गिज़ा। बस दामन मुर्शिद से यही मिलता है राजो न्याज का राज, जो आज जो हम पर गुजर रहे हैं, जो हम कड़ी को सुन रहे हैं वो लोग नहीं समझ सकेंगे। तो मैं समझूंगा, दुआ है मेरी कि उनकी माँ की दुआओं के सदक़े में वो मिस्किन फ़कीर फकरा वो ये सब समझ के चलेंगे तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान में हमेशा खुशियाँ रहेगी। आज नफसी नफसी का आलम है हमारे तुम्हारे में, तो अल्लाह ताला इनकी राह में है फिर फ़कीर के, तो इनकी दुआओं के सदक़े में यकीन है मेरा क्यार बला है दूर। लोग रूहानी इल्म को छोड़कर दुनियावी इल्म की तरफ ज़्यादा नज़र आते हैं जाते हुए, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि वो लोग रूहानी तालीम सीखे। बेशक वो तो कुरान फरमा रहा है,
इसमें तो कोई बोलने की जरूरत नहीं, हमने इल्म की तरफ गए नहीं, हमने जहाँ तक पढ़ा वहाँ तक रह गए, हमें जो बताया गया वहाँ तक रह गए। और जो तलाश करेगा, आप आज तलाश कर रहे हैं कि मैं चीज़ को हासिल करूँगा, ये मैं चीज़ दूंगा, जमाल बाबा तो उनसे बैठ लूँगा, तुमने तो थी कि मैं चला जाता, मैं हासिल करूँगा, तो आपकी वो लफ्ज़ ही बहुत काफ़ी हो गए कि मुझे रुकना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ मिलना, आज जैसे यहाँ पर लोग हैं, बाबा है, इनसे भी मेरी गुजारिश है कि जो इनके पीर मुर्शिद से इनको कल्बियत की रूहानियत का मिला है वो बांटें, ये ना कि उसका एक बिजनेस बनाए या ताबीज़ की एक शक्ल में उसे उतारें, तो वो एक जाकर आगे सिलसिले पर भी दाग लगता है, और जब सिलसिले पर दाग लगा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो फना फिल्ला ही है, समझ का सारा फेर है। हजरत कुरान में आया कद जाकुम मिनल्लाह नूरु व किताबुम मुबीन, तो किताबुम मुबीन तो ज़ाहिरी नज़र आ रहा है लेकिन नूर की तरफ लोग माइल नहीं हो पा रहे। मैं वही तो बताया, जब अपनी रूह से आप मुतायला करोगे, आपका हमजाद आपसे कहेगा ना कि आप रॉन्ग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप किसी का दुख पहुँचा जा भागे जा रहे हैं, और एक ही रूह आपकी खड़गे ने तो गलत करके जा रहा है, हाँ, तो वहाँ हमारी संभलने की यही है कल्ब की लड़ाई, सच्चाई की लड़ाई, कुछ नहीं है किसी के बेरहबर के बगैर, कुछ नहीं किसी के बगैर, कुछ भी नहीं है। असलियत जान लो अपनी तो संभल जाओगे, असलियत जान लो अपनी तो संभल जाओगे, वरना ये तिनकों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। असलियत अगर हम अपनी जान लेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ फूल के हार भी मिलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा प्यार भी मिलेगा, तुम्हारी मोहब्बत भी मिलेगी, मैं तुम्हारी रूहानी तक आ सकता, तुम मेरे अंदर आ सकते हो, मैं तुम्हें आ सकता हूँ, बस यही रूहानियत है, यही है पीर मुर्शिद। मेरा नाम है अनवर चिश्ती कवाल और आसिफ चिश्ती कवाल, मैं दोनों हमारे साहबजादे हैं ये, और मैं गरीब नवाज के कर्म से मैं 4 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, और हमारे सूफी जमाल बाबा, हमारे पीर मुर्शिद जो है वो हमेशा हर साल हमको यहाँ बुलाते हैं, हर साल मैं यहाँ कलाम पढ़ता हूँ। किस तरीके का प्यार मिलता है यहाँ पर आके जो आप पढ़ते हैं कलाम, तो जनता से लोगों से बहुत अच्छा प्यार मिलता है, सबसे सबसे मोहब्बत भी मिलती है, प्यार भी मिलता है, और नजराना वगैरह भी मिल जाता है। कई सालों से हो गया, आप कितने सालों से आ रहे हैं? जी 4 सालों से हम लगातार आ रहे हैं लॉकडाउन के पहले से, और खूब सारा प्यार मिलता है यहाँ से, और नजराना भी, और हमेशा आते रहेंगे आगे साल से भी। आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा महसूस हो रहा, मतलब कैसा फील? बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा, सरकार के कदमों में बैठे हैं, और हमारे जमाल बाबा के, और हमारे सूफी, हमारे पीर मुर्शिद जमाल बाबा, वो हमें बहुत चाहते हैं।